बिहार में बीते 9 जून को जिले के बाजपट्टी में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मंत्री रंजू गीता ने कुछ ऐसा बोल दिया कि इनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। रंजू गीता के दिए गए बयान का विपक्ष ही नहीं खुद जेडीयू के अंदर भी आलोचना की जा रही है। दरअसल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रंजू गीता ने कहा था कि धन दौलत की क्या बात है, पटना में आधा कट्टा जमीन बेचकर मैं जिले के सभी नेताओं को खरीद सकती हूँ। रंजू गीता के इस बयान पर विपक्ष जेडीयू को घेरता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। पटना का आधा भी उनका बेचे हुए थे, जिले के जितने नेता उसको मैं खरीदूँ, हर दौरे के लिए मुझे कोई धमकी नहीं देगा। आप लोगों के सामने मैं खड़ा होकर बोल रही हूँ।